सुनो दिख रहा ना ऐसा, आप बोलते होंगे डेली ने यही टोपी रखा है तो क्या करूँगी, किसी को रखती हूँ, इतना सॉफ्ट है ना। तो चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नहीं सुबह सुबह के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। अभी हमने हमें जल्दी उठ गई थी, आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी, वैसे 7:30 बज गए चाय पीते पीते। और हमने ना छोले भी रख दिए हैं चूल्हे में, इनको तो बिस्तर में मिल गई चाय। और मेरे ना जाना तिरछे तिरछे से अपने जूस के डब्बे भी पड़े, मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं। और आपको दिखाया ना, हमने टीवी ला रखी ना यहाँ पर, हमने ये स्टार्ट नहीं करी, पर हम टीवी ला गए थे यहाँ कब का, स्टार्ट नहीं करी हमने। अब देखते हैं केबिल लगाएं या डिश लगाएं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट ला गए थे घर से। फिर भी ये सिंपल बेड था और हमने इसके पीछे से ये बनवाया ताकि हमारे सर पे पीछे की ठंडी ना लगे ना, मेन रीज़न यही है ना। हाँ तो हमने ये बनवाया, ये लगी मैं यू बेकार लगी, यूजलेस, कौन सी ठंडी हमेशा रहेगी, अब गर्मी आने वाली है, बिल्कुल यूजलेस। ये इनका आइडिया था इसलिए यूजलेस है, मेरा आइडिया होता तो बिल्कुल सही होता है, ठीक है, पैसे की बर्बादी है ये सिर्फ। ये का खाली यहाँ पे से ये नीचे पे से यहाँ पे था, ये 1800 के लिए ना, बिल्कुल यूजलेस है, यूजलेस 1800 वो डिश सुन चुन तो बराबर है। अभी मेरी नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है, तैयारी क्या हो रही है, मैंने रोटी बना दी है यहाँ पे, रोटी तो बन चुकी है। और अब मैं बनाऊँगी क्या, सब्जी। अब मैंने आज छोले रखे हैं, पंच वाले छोले जो सूखे वाले मटर होते हैं ना उसकी सब्जी बनाऊँगी, और प्याज टमाटर कट कुट करके लोहे की कढ़ाई में। ये वाले छोले मुझे अच्छे लगते हैं उन छोलों से, जो मटर वाले होते हैं ना, ये वाले। अभी मैं ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मैंने इनको थोड़ा सा बोला ना एक रील बना दो मेरे साथ, ऐसे मूर्ति जैसे खड़े हो गए वहाँ पे, ऐसे करती हूँ, कभी रील नहीं बनाते मेरे साथ, मैंने बोला था थोड़ा एक रील बना दो। फिर भी अभी मैं फिर से बोलूँगा, मेरे देखो छोटे छोटे बाल कितने आ रहे हैं, इतने सारे, कुछ दिन बाद टकली होने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे इतने बाल, इतना हेयर फॉल हो रहा मेरा, हेयर फॉल जिंदगी फॉल लगे पैर खुल दो लगे है क्या न्यू हाथ में लगा, अरे वो खोल दो चुवा झट के धामा खोल दो, उन बाबन फूल हो पकड़ी थे पकड़ी थे ना, वो खोल दो ची आज ऊपर जाएंगे मुझे छोड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका काम है, मुझे गाड़ी रुकानी पड़ेगी, पता नहीं कब तक मिलती है, आजकल गाड़ियों की बहुत दिक्कत है। अभी मैं ऑफिस से घर आ गई और मुझे ना आज बहुत तेज वाली भूख लग गई है, और भात भी बज रखा है दिन का, तो ठंडा भात तो नहीं खाऊंगी मैं, उसका थोड़ा सा सब्जी सब्जी मिला के उसका पुलाव टाइप का बनाऊंगी तब खाऊंगी, और साथ ही साथ आने के लिए चाय भी बना रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और यहाँ पे बनाऊंगी थोड़ा सा सब्जी काट के और भात फ्राई करूंगी, यहाँ थोड़ा सा भात बच रखा है तो इसको फ्राई करूंगी, यहाँ पे चाय बनाती हूँ। पहले मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और इसमें डालूंगी सारी सब्जियाँ, ये भी मैंने थोड़ी थोड़ी काट रखी है, ये गई सब्जियाँ, इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी ताकि ये पक जाए, इसके बाद तो भात तो पक ही रखा है। थोड़ी आधी आधी पक गई है और मैं इसमें कल का पिसा हुआ वाला नमक डालूंगी, और यहाँ पे भात भी थोड़ा सा डाल दिया है, मैंने भात फ्राई कर लिया है, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, टेस्ट तो वैसे अच्छा ही होगा क्योंकि जब मैंने इतने अच्छे से बनाया है। जो पिसा वाला नमक है ना उसका तो ऐसा स्वाद आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी खुशबू, पूरे खाने में उसकी खुशबू आ रही है, थोड़े से गाजर गोभी सुगर में बढ़िया, तो वे को कोड़ मत अपन था पर पोल बाल छोड़ रोड जल्दी
मार्सलिन सा फाफरे पोल बोते ओए माना ना ना मा बेटा थे कि नाम की ना मोन सो बसु हां और तो यो ये फाफर तुमने दो हां आ तकड़ी में पड़े से मेसा ना ब भी चमदा छोटो छोटा बो हां दादा दादी खान से मैं मो छी सु खाना खाऊं ते ही ने आ यो ये मम्मी चाट में बोल सना ना मैं खान मन आ जते स्वाद खाई तुम तो आवा लूड़ हां दादा पे तो खाऊं नी छो अभी मैं यो ब भी खाना खाऊं ते ही आ ब बोल जो हूं दादा 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 दादी दादी नहीं और खा रहा स्वाद लो मिल भी चाकी खा बड़े मिम्मी बड़ा मिम्मी भी हाँ चंद्र भाई चंद्र सुन मैं पवन मत बोली आ मैं चंद्र साग बना रहा बुझी हाँ मत हरि चंद्र घाट घाट जन उ बण मे मे तुम बण बनु अच्छा यो खूब जाए उने जोशी मन से अच्छा सुख से बण कड़ भी होनु हां हां मैं तो इना सुन छ कड़ो भी होना ते पानी जन सुख से बण ते अच्छा गा पर सुखे भी जन मे सोरा पे बोरी बोरी हुन छे आमी हुन छे का गुए भी भुजी कति पड़े हन हां पानी में भिगो डाले ना रात में भिगे हन सुबह हो छगन ते हां त निराई फरान फरान मसाला मसाला ते भी नहीं खाते मेरे सास नहीं खाते ना मेरे सास खाते सो रहे फों के अलग बन गए हम अलग खाते अब हमें बेबी पल मौसम बड़ा नहीं था संजू से रवि दादा तो सी भी बहुत खाना चाहिए तो सी भी मांग चाहिए हमारे सो रहे ना यो दिन मैं पवन बोल बोले मैं आज चंद्रू की सब्जी बना रहा हूँ क्यों बोले चंद्रू घास पानी कड़ो पानी सुख से बनो घा खूब जना बड़े बड़े खूब सुख होते हर कुछ बड़े चूड़ी बड़े ये ये क्या बहुत दूर है बटेला भी था मेरे सासू को खेलना जा ये भी हुआ लोड़ा भी मेरे जो खबा तू असि मन बड़े हो ती गो बहन आज बनाऊंगी मैं मिक्स वेज गाजर गोभी और आलू यहाँ पे प्याज टमाटर भी कट कर लिए पहले इनको तेल में फ्राई कर दूंगी ये सारी सब्जियाँ फ्राई कर दी है मैंने अभी और यहाँ पे इसी तेल में मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ी सी दो मिर्ची डाल दी और प्याज टमाटर डालूंगी सब्जी बनाऊंगी टेस्टी टेस्टी।